लक्ष्मी सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन से दिन होती है? जम के बोलिए जरा, शुक्रवार। तो शुक्रवार को लक्ष्मी सबसे ज्यादा प्रसन्न क्यों होती है? उसका प्रसन्न होने का कारण क्या था? लक्ष्मी जी के दो भाई थे, दोनों की शादी नहीं हो रही थी, दाता और विधाता, दोनों का विवाह नहीं हो रहा। और दाता विधाता के लिए लक्ष्मी बड़ी परेशान थी, रोज नारायण से कहती थी, प्रभु कुछ कृपा करिए, दाता विधाता का विवाह नहीं हो रहा, उम्र होती चली जा रही है, इनका कुछ कुछ करिए, प्रभु आप नारायण हो, आप कुछ तो कर सकते हो। भगवान नारायण ने तब लक्ष्मी से कहा, एक काम करो, बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठकर लक्ष्मी तुम अनुष्ठान करो तुम्हारे भाइयों के विवाह के लिए। इसलिए आज भी हमारे हिंदू धर्म की रीति है कि बेलपत्री के पेड़ के नीचे शाम के समय लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए लोग इस बेलपत्री के पेड़ के नीचे तुम्हारा रात्रि को शाम को 6 बजे से लेकर रात्रि को 8 बजे तक तुम्हारा निवास होगा। जैसे पीपल के पेड़ में देवताओं का निवास, आपको आप लोगों ने यदि पद्म पुराण पढ़ी होगी या सुनी होगी तो उसमें स्पष्ट कहा है, पीपल के वृक्ष की गणना है, ध्यान देना, पीपल के वृक्ष में सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे तक ब्रह्मा जी का वासा होता है। पीपल के वृक्ष में सुबह 7 बजे तक ब्रह्मा जी का वासा, 7 बजे से लेकर 10:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वासा होता है। कितनी बजे तक? 10:30। 10:30 से लेकर 11:30-12 बजे तक पीपल के वृक्ष में पितरों का वासा होता है। इसलिए हमारे यहाँ पितरों को श्राद्ध पक्ष में जो भोजन कराया जाता है वो 10:30 से 12 के बीच में कराया जाता है। 12 बजे के बाद पीपल के वृक्ष में दोपहर के 1:30 बजे तक आहूतों का वासा रहता है। आहूत कौन? जो गर्भ में शांत हो गए, जो कुंवारी अवस्था में शांत हो गए, जो जन्म लेने के बाद उनका विवाह नहीं हुआ और शांत हो गए, उन आहूतों का वासा उस पीपल के वृक्ष में दोपहर में 1:30 बजे तक रहता है। उसके बाद में प्रेतों का वासा चालू होता है, इसलिए दोपहर के समय पीपल के पेड़ की परिक्रमा नहीं होती। फिर शाम को 4 बजे से 7 बजे तक पीपल के वृक्ष में शंकर जी का वासा होता है, इसलिए शाम के समय पीपल की परिक्रमा नहीं होती। 7 बजे के बाद में पीपल के वृक्ष में रात्रि को 9 बजे तक कुबेर का वासा होता है। फिर 9 बजे के बाद में प्रेतवास चालू होता है पीपल के वृक्ष में। उसी तरह बेलपत्री का जो वृक्ष है, उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे रात्रि को 8 बजे से लेकर 12 बजे तक बेलपत्री के पेड़ के नीचे कुबेर का निवास होता है। महाराज कुबेर का निवास, प्रयास करा करो इसी बेलपत्री के पेड़ के नीचे हम दीप लगाए, घी का, यदि संपदा की कमी हो तो, अगर भगवान ने खूब संपदा दी है तो भले मत लगाओ, कोई दिक्कत। महामृत्युंजय मंत्र का यदि आप जाप करते हो और आपको मालूम पड़ गया कि शरीर में मुझे ये रोग हो गया है, मुझे शुगर हो गया है, मुझे बीपी हो गया है, मेरा ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा रह रहा है, कोई भयंकर रोग, मेरे रिश्तेदार को कोई कैंसर जैसा रोग हो गया, किसी को कोई थायराइड हो गया, किसी को कोई किडनी और लीवर में सूजन हो गई, किसी को कहीं किडनी और लीवर में तकलीफ हो गई, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, नवग्रह शिव महापुराण की कथा कहती है कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे महामृत्युंजय मंत्र का जाप, जो शुक्रवार की शुक्रवार घी का दिया लगा कर करता है, उसके रोग बाबा देवाधिदेव महादेव समाप्त करते चले जाते हैं। ये संजीवनी मंत्र शुक्रवार के दिन भगवान शंकर को शुक्र को दिया था, इसलिए उसकी प्रधानता। ये वो संजीवनी मंत्र, शुक्रवार के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर घृत का दिया लगाकर शरीर में जो रोग है उसका स्मरण कर शंकर जी से विनय कर हे भोलेनाथ, आपने शुक्र देवता को संजीवनी मंत्र दिया है, तो क्या आप मेरे को वो मंत्र प्रदान नहीं करोगे? मेरे रोग, मेरी बीमारी, मेरे दुख को आप नहीं हरोगे? शिव से कहो, ये शरीर आपने दिया है और भजन करने के लिए दिया है, स्मरण करने के लिए दिया है, कीर्तन करने के लिए दिया है, तो संभालोगे भी आप। और बेलपत्री की ओर मुख कर घी का दिया लगाकर महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर लेने पर धीरे 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 वो रोग समाप्ति की ओर आता चले जाता है।
शंकर भगवान को तुलसी नहीं चढ़ती, केवल एक बैकुंठ चतुर्दशी के दिन चढ़ती है, वो भी रात्रि के समय पर 12 से 4 के बीच में। पर शंकर भगवान को तुलसी नहीं चढ़ती, पर पद्म पुराण कहती है कि शंकर भगवान के मंदिर के बाहर जो तुलसी का वृंद लगाया जाता है, शिवजी के मंदिर के बाहर जो तुलसी का पौधा लगा रहता है या लगाया जाता है, उस तुलसी के पौधे में जितनी मंजरियां लगती हैं, उस मंजरियों में जितने दाने लगते हैं, उतने दाने गिन लिए जाएं और उतने समय का बैकुंठ का वास उस मनुष्य को प्राप्त हो जाता है।